हेलो एवरीवन, सो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर डिस्कस किया था आज के इस लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस या बुक्स देख लेते हैं दैट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जम्मू सो फर्स्ट वन इज राजशनी विच वॉज रिटन दास देन द लॉर्ड ऑफ हिल्स रिटन बाय जी स्मिथ गुलाबनामा विच वॉज रिटन बाय दीवान कृपा राम तारीखे जम्मू बाय हशमतुल्ला खान एंड अष्टादई विच वाज बाय पाणिनी सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिन अकॉर्डिंग टू द मोस्ट पॉपुलर लेजेंड्स राजा जांबुलोचन फाउंडेड द जम्मू सिटी इन 14th सेंचुरी वंस व्हेन ही वाज गोइंग ऑन हंटिंग तो रिवर तवी के किनारे ये देखते हैं कि लाइन और कोट जो है वो एक साथ पानी पी रहे हैं एंड आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर वो दोनों अलग अलग जो है अपने रास्ते चले जाते हैं एंड दिस इवेंट सरप्राइज हिम एज वेल एज ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई दी हारमोनी ऑफ एरिया तो वहां पर इन्होंने सोचा कि एक जो सिटी है या टाउन है उसको जो है बिल्डअप किया जाए सो ही फाउंडेड टाउन देयर फर्दर केम टू बी नोन एज जम्मू सो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो जम्मू के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनकी सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज बाहुलोचन बिल्ट बहू फोर्ट एट देंक ऑफ दिवर आल्सो इन्होंने जो है दारा नगरी सिटी जो है वो फाउंड की थी और वहीं पर इन्होंने जो है अपनी कैपिटल भी शिफ्ट की थी और उसके बाद जो है इनके जो ब्रदर थे जाम्बू लोचन वो थ्रॉन के ऊपर आते हैं हु इज द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी एज वी, वी डिस्कस्ड अर्यर और इन्होंने जो है अपना रूल सिंध तक जो है वो एक्सटेंड किया था बाय डिफीटिंग द किंग ऑफ सियालकोट चंद्रहास देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग आ जाते हैं पूरनकरण पूनकरण जो है उन्होंने जो है शिफ्ट की थी कैपिटल बहू से जम्मू देन एन अदर इम्पॉर्टेंट रूलर इज शक्तिकरण शक्तिकरण जो है उन्होंने ही जो डोगरी स्क्रिप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया था एंड द लास्ट रूलर ऑफ दिस डाइनेस्ट्री वॉज शिव प्रकाश जिनको राजा शाल जो कि सियालकोट के थे उन्होंने डिफीट किया था उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो रूलर हैं बोध डायनेस्टी के वो आते हैं राजा बोध अर्जुन रूलर एंड अ ग्रेट कनकरर देन नेक्स्ट हम बात करेंगे राय डायनेस्ट्री की जो राय डायनेस्ट्री है ये अराउंड 50 बीसी के अराउंड इस्टेब्लिश की गई थी जब राय डायनेस्ट्री जो ये सियाल कोट की थी इन्होंने जम्मू को जो है कैप्चर कर लिया था और अधि राय जो हैं ये इंडिपेंडेंट रूलर बनाए गए थे जम्मू के इसी डायनेस्ट्री के अंदर चल के एक रूलर आते हैं जोग राय जिनके दो बेटे थे वन वाज मालहन हन एंड अदर वाज सूरजदार जो मालहन हैं वो सियालकोट मूव कर जाते हैं और वहां पर जाकर के एक धार डाइनेस्ट्री सो धार डाइनेस्ट्री जो है 430 में जो है इस्टेब्लिश की जाती है बाय सूरज धार दे नेक्स्ट जो है इसके बाद आते हैं गंगा धार दे सोजला धार सोजला धार जो है ये एक क्लेन स्टार्ट करते हैं चरक क्लेन और सरबिया धार के टाइम के ऊपर जो है पी रोशन शाह वली जो है वो जम्मू आते हैं और गुम्मट का जो एरिया है वहाँ पर आकर के सेटल हो जाते हैं देन नेक्स्ट कम देव डाइनेस्ट्री देव डाइनेस्ट्री जो है एट हंड्रेड फोर्टी के अंदर इस्टेब्लिश की जाती है uh, जो धार डाइनेस्ट्री है उसके जो लास्ट रूलर होते हैं वजर धार ये उन्हीं के सक्सेसर होते हैं उन्हीं के बाद जो है ये थ्रान के ऊपर आते हैं जो कि अलग से डाइनेस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं देव डाइनेस्ट्री और सूरज दास जो है ही वाज द फर्स्ट किंग ऑफ जम्मू टू यूज सर नेम देव देव डायनेस्टी जो है वो 1816 तक रूल करती है और इसमें जो डिफरेंट किंग्स हैं उनमें से हम जो इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे महमूद गजनवी का जो इन्वेजन होता है इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अवतार देव एन अदर इम्पॉर्टेंट रूलर आ जाते हैं जस देव फाउंडर ऑफ जसरोटा टाउन एंड जसरोटिया क्लैन एन अदर रूलर इज ब्रिज देव who जॉइन hands विद मोहम्मद गोरी अगेंस्ट पृथ्वी राज चौहान इन द बैटल ऑफ टेर और ब्रिजदेव जो हैं ये फाउंड करते हैं विजेपुर विच इज नाउ कॉल्ड एज विजय एक और इंपॉर्टेंट रूलर आ जाते हैं जोध देव हु कंटेप्रेरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक ऑफ दिल्ली सल्तनत और ये जो है हेल्प करते हैं शाह देवा जो कि कश्मीर के रूलर होते हैं to return to valley and one of the most important ruler of this dynasty is Maldev. A Maldev का जो period है उसे golden period माना जाता है and Maldev he shifted his Dogra capital to Jammu. Also he erected building at the Purani Mandi जिसको जो है Mal Mandi नाम दिया जाता है and first time यही जो है गद्दी के ऊपर बैठे थे जो tradition आगे जो है सभी Dogra rulers तक जो है चलता रहा

एंड ऑल्सो जो की गरीब दास वो भी इन्हीं के टाइम में जो है आए थे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर इज ध्रुव देव ध्रुवदेव जो है ही थ्री अवी दूगल्स और अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट रूलर जो है ये डिक्लेयर uh, कर देते हैं बहादुर अगेंस्ट दूगल्स एंड ही आल्सो बिल्ड मुबारक मंडी कम्प्लेक्स और जो है ये मालदेव मंडी से जो है आ, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में अपनी जो पैलेस है उसको भी शिफ्ट करते हैं द मोस्ट इंपॉटेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज महाराजा रंजीत देव जिनका जो पीरियड है वो स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए जाना जाता है इन्हीं के टाइम में जो है जम्मू को दारुल अमन भी कहा जाता था विच मीनस अबॉर्ड ऑफ पीस महाराजा रंजीत देव जो हैं उन्हें दो बार जो है बंदी भी बनाया गया था इन्होंने जो है सती के ऊपर बैन किया था एंड आल्सो ही पुट बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड और इनके कोर्ट में एक scholar और पोइट पंडित देवदत्त वो भी प्रेजेंट थे वो ट्रांसलेटेड वरुण प्रभा ऑफ महाभारता इन हिंदी आफ्टर डेथ देर वॉज अ of ऑफ सक्सेशन बिटवीन हिज टू सन ब्राजराज और दलेल सिंह ये जो दो इनके बेटे थे इनके बीच में वार ऑफ succession स्टार्ट हो जाता है थॉन के लिए और जो ब्रजराज हैं वो जीत जाते हैं एंड देन जो ब्रजराज हैं वो अपने कजन मिया मोटो को जो है वो कहते हैं कि वो जो दलेल सिंह हैं उनको मार दें एंड ही कैरिड आउट हिज आर्डर और जो दलेल सिंह के भाई होते हैं जीत सिंह वो जो है वो सिख से हेल्प के लिए जाते हैं लेटर ऑन ब्रजराज इवन दो ही वाज किल्ड बट जो मिया मोटो हैं जो कि जनरल होते हैं आर्मी के ये डायनेस्टी को बचा लेते हैं और आफ्टर दैट जो है जो ब्रजराज के एक साल के बेटे होते हैं उनको थ्रॉन के ऊपर बिठा दिया जाता है लेटर ऑन जो है उसके बाद जब अजीत सिंह जो है वो थ्रॉन के ऊपर आते हैं तो बिकास ही वॉज अ वेरी वीक रूलर तो इन्हीं के टाइम में जो है जम्मू जो है वो सिख रूल के अंडर आ जाता है महाराजा रंजीत सिंह जो है वो कैप्चर कर लेते हैं जम्मू को सो so, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिख रूल की सो uh, so, महाराजा रंजीत सिंह इन एट जीरो एट जो है वो कैप्चर करते हैं और जम्मू को जो कनकर किया जाता है इट वाज थ्रू सरदार हुकम सिंह और उसके बाद एटीन हंड्रेड ट्वेल्व के अंदर जो महाराजा रंजीत सिंह के बेटे होते हैं खड़ग सिंह उनको जो जम्मू है वो जागीर के अंदर दे, दे दिया जाता है बट uh, uh, जो लोग होते हैं जम्मू के वो काफी ज्यादा नाखुश होते हैं जो सिख रूल है उससे सो दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द सिख रूल और उनको लीड कर रहे होते हैं मियाँ दीदो। uh, तो इट वॉज वेरी टफ फॉर महाराजा रंजीत सिंह टू सप्रेस द रिवाल्ट इन जम्मू तो वो गुलाब सिंह को भेजते हैं रिवाल्ट को सप्रेस करने के लिए गुलाब सिंह जो है ये ज्वाइन करते हैं महाराजा रंजीत सिंह को एज अ सोल्जर एंड लेटर ऑन अपनी ब्रेवरी वगैरह की वजह से जो है ये आर्मी के कमांडर बना दिए जाते हैं और गुलाब सिंह जो है वो जम्मू आते हैं एंड ही किल्ड मियां दीदो एंड ही वाज एबल टू सप्रेस द रिवाल्ट और दस जो महाराजा रंजीत सिंह हैं वो गुलाब सिंह को जो है जम्मू प्रोविंस दे देते हैं गुलाब सिंह को जो है टाइटल दे दिया जाता है राजा का एंड अलाउड टू कीप आर्मी ऑफ और 16 जनवरी 1822 को गुलाब सिंह का राज तिलक किया जाता है अखनूर में उसके बाद गुलाब सिंह काफी दूसरे एरियाज को भी कैप्चर करते हैं इंक्लूडिंग पूंछ राजौरी किश्तवाड़ एंड इवन इन 1834 जो है लद्दाख को भी कैप्चर कर दिया जाता है एंड दी चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ऑल दिस विक्ट्री जनरल जोरावर सिंह ऑफ रियासी जो कि इनकी मिलिट्री के कमांडर थे जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि 1845 के अंदर फर्स्ट एंग्लो सिख वार स्टार्ट हो जाता है और जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिक्स को जो है डिफ़ीट कर देते हैं और उस वक़्त जो रूलर होते हैं सिख के महाराजा दिलीप सिंह उनको कंपेल किया जाता है कि वो ब्रिटिशर्स के साथ जो है ट्रीटी साइन करें सो ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो दिलीप सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है नाइन मार्च एटीन फोर्टी सिक्स को और जो पंजाब वगैरह है उसको एनेक्स कर लेती है जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने अंडर ले लेते हैं देन सिक्सटीन मार्च एटीन फोर्टी सिक्स को गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ अमृतसर जिसको सेल डीड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है बिकॉज इसी ट्रीटी के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर है वो गुलाब सिंह को दे दिया जाता है और बदले में सेवेंटी फाइव लैख जो है वो गुलाब सिंह जो है वो ब्रिटिशर्स को देते हैं और इस तरह से जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसकी फाउंडेशन होती है ऑन सिक्सटीन मार्च एटीन हंड्रेड एंड सिक्स सो नेक्स्ट जो है इस तरह से जो डोगरा रूल है वो स्टार्ट हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडे